बिजली विभाग ने नए मीटर कनेक्शन पर दाम बढ़ा दिए हैं, जिसको लेकर प्रदेश में खूब सियासत हो रही है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि बिजली विभाग को बद्दी की एक उद्योग कंपनी चूना लगाकर चली गई है, जिसकी रिकवरी के लिए न्यायालय में जब मामला गया तो न्यायालय ने कहा कि बिजली विभाग में मीटर के लिए तय सिक्योरिटी काफ़ी कम है, इसीलिए जब कोई उद्योग छोड़कर चला जाता है तो उसकी सिक्योरिटी से रिकवरी करना मुश्किल हो जाता है। इसको लेकर सरकार नीति बनाए, जिस पर बिजली विभाग को नए मीटर कनेक्शन पर दाम बढ़ाने पड़े हैं, लेकिन जनता पर बोझ ना पड़े इसके लिए विभाग इस पर कोर्ट में स्टे लेगा। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि जल्दबाजी में बिजली विभाग ने भरपाई के लिए बिजली मीटर पर सिक्योरिटी के दाम बढ़ाए हैं, जो काफी ज्यादा है, इसलिए सरकार अब इसको लेकर कोर्ट में स्टे याचिका दायर करेगी और मीटर के अधिक दाम का बोझ जनता पर ना पड़े इसके लिए पुरानी नीति ही बहाल की जाएगी और जो पैसे नहीं चुका रहे हैं उनके लिए विचार विमर्श कर अलग रणनीति बनाई जाएगी। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि बिजली विभाग को अभी तक उपभोक्ताओं से 100 करोड़ लेना है, इसमें सबसे ज्यादा उद्योगों से 55 करोड़ लेना है, जबकि अन्य से 45 करोड़ की लेनदारी है। कुल मिलाकर 5000 उपभोक्ता है जो कनेक्शन काट कर चले गए हैं। अब बिजली विभाग को इसका घाटा उठाना पड़ रहा है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि इसके अलावा लॉकडाउन में बिजली विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन अब फिर से रिकवरी हो रही है और 75% बिजली बिक रही है। अब हिमाचल को बिजली प्रोजेक्ट पर 7.19% शेयर भी मिल रहा है। बद्दी में एक इंडस्ट्री है ARR स्टील्स, वो इंडस्ट्री बंद हो गई और बिजली बोर्ड का 1,04,07,143 करोड़ रुपये उसके ऊपर बकाया रह गया। जब उसकी रिकवरी का केस हाई कोर्ट में बिजली विभाग ने डाला तो हाई कोर्ट ने पूछा, अनरेबल हाई कोर्ट ने, कि आप मान लो कि अचानक अपनी फैक्ट्री बंद कर देता है, यहाँ से भाग जाता है, चला जाता है, बेच जाता है, आपका बंद कर देता उद्योग को, तो आप रिकवरी किस रूप में करते हैं? बिजली बोर्ड ने जवाब दिया कि हम उसकी सिक्योरिटी होती है वो जब्त करते हैं। उसने कहा सिक्योरिटी कितनी है? सिक्योरिटी का अमाउंट बड़ा कम था, इसलिए हाई कोर्ट ने कहा कि आप नई प्रपोजल लाइए, ताकि अगर कोई इस तरह से उद्योग बंद होता है तो उसकी रिकवरी जो उसकी सिक्योरिटी से की जाए। हाई कोर्ट के आदेशानुसार ये नई पॉलिसी बनी, परंतु इसमें रेट जो है जरूर से ज़्यादा बढ़े। जब मेरी संज्ञान में ये मुद्दा आया तो मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से उसी दिन बातचीत की। अब हम इसमें जो है रिवाइज के लिए अपील डाल रहे हैं, 2-3 दिन में ये केस लग जाएगा। पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि इसको स्टे किया जाए, पुरानी पॉलिसी को बहाल किया जाए और उसके बाद आपसी विचार विमर्श करने के बाद कितनी सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए वो हम आपस में बैठ कर इस पर विचार करेंगे और रिवाइज पॉलिसी लाएंगे, लोगों के ऊपर ज़्यादा वजन नहीं पड़ने देंगे। जो कंज्यूमर की बात है, हिमाचल प्रदेश में अभी भी लगभग 5000 कंज्यूमर ऐसे हैं जिन्होंने अपने परमानेंट कनेक्शन डिसकनेक्ट करवा दिए और उसका लगभग 5 करोड़ रुपया अभी भी बकाया है, क्योंकि सिक्योरिटी से जितना रिकवर करना था कर लिया, बाकी पैसा बकाया पड़ा है। ऐसे इंडस्ट्री के पैसे हैं लगभग 55 करोड़ रुपये, जो इंडस्ट्री बंद हो चुकी है जिनसे हम रिकवरी नहीं कर सकते, वो 55 करोड़ रुपये बकाया पड़ा है। और भी छोटे छोटे डोमेस्टिक हो गए, एग्रीकल्चर के कनेक्शन है, टोटल कितना लगभग 100 करोड़ रुपये बनता है, जो बिजली विभाग ने, जो बिल्कुल डिफंट हैं, जो परमानेंट जिन्होंने डिसकनेक्शन करवा लिया उनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो उसकी रिकवरी के लिए बिजली विभाग का कोई ऐसा कानून तो है नहीं कि उसकी कल को भी बैंक का लोन तो है नहीं कि हम उसकी ज़मीन से रिकवर कर लेंगे। हम तो एक सिस्टम के अनुसार ही उससे रिकवरी कर सकते हैं, परंतु फिर भी हमारा जो दृष्टिकोण है वो कंज्यूमर के प्रति, हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति बहुत सॉफ्ट है। मैंने पहले कहा है, हम उसी दिन से हरकत में हैं, हाई कोर्ट से हमने अपील कर दी है, हाई कोर्ट में हम गए हैं। जैसे ही हाई कोर्ट हमें से वो हमारे को स्टे मिलेगा, हम नई पॉलिसी बनाएंगे और कंज्यूमर के ऊपर कोई ज़्यादा बोझ नहीं डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।